हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप लोग? आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज हम बुलसाई नीट 2021 सेशन नंबर 10 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमारे दो बॉटनी के क्वेश्चन हैं, उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन क्या था। सबसे पहले हम इसको रीड आउट करेंगे, देन हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच वन इज़ द करेक्ट फॉर जी नोट स्टेज। कौन सा है जो जी नोट स्टेज के लिए बिल्कुल सही है? सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जी नोट स्टेज एक्चुअल में होती क्या है। ठीक है, जी नोट स्टेज कहाँ पे होती है? सेल साइकिल। सेल साइकिल के अंदर हम कुछ ऐसे इसको डिवाइडेशन करते हैं, कुछ इस तरीके से हम इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है बेटा, ये थोड़ा सा मैंने छोटा बना दिया, कुछ ऐसे मान लो। यहाँ भी मैंने थोड़ा कम बना दिया, कुछ ऐसे मान लो। ठीक है, ये हो गया जी वन, एस और जी टू, और यहाँ पे इसको अपन फोर पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कर देते हैं। इसको और थोड़ा मैं छोटा करने वाला हूँ। ठीक है बेटा, यहाँ पे ये वाली जो स्टेज हो गई, ये हो गई कौन सी? ये तो हो गई जी वन, ये हो गई एस और ये हो गई जी टू। ये इंटरफेज है, ये इसके अंदर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, और ये हो गई कौन सी? जी नॉट। जी नॉट यानी क्वेसेंट फेज। सेल क्या हो जाएगी? इसके अंदर जाने के बाद में सेल ग्रो और प्रोलिफेरेट नहीं करेगी, डिवाइड नहीं होगी, बट सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होगी, डिवाइड नहीं करेगी, बस फर्दर डिवाइडेशन नहीं करेगी। ओके, अब ये वाली जो फेज है इसको अपन बोलते हैं इंटरफेज। तो हमें क्वेश्चन के अंदर बात करनी है सिर्फ जी नॉट के बारे में, कि जी नोट के रिगार्डिंग कौन कौन से स्टेटमेंट हैं वो सही हैं। इसको हम बोलते हैं क्या? इट इज़ ए क्वेश्चन स्टेज। इसको हम क्या बोलते हैं? क्वेश्चन स्टेज बोलते हैं। इन दिस फेज सेल साइकिल इज स्टॉप्ड। सेल साइकिल स्टॉप हो जाती है। ठीक बात, सेल साइकिल स्टॉप हो जाएगी मतलब ये प्रिपरेशन नहीं करेगी डिवाइड होने के लिए, तो डिवाइड नहीं करेगी। नेक्स्ट वन इज़ द जी नोट सेल्स डू नॉट ग्रो। ये ग्रो नहीं करती और प्रोलीफेरेट भी नहीं करती, मतलब डिवाइड भी नहीं करेंगी, बट मेटाबॉलिकली एक्टिव होती हैं। ये मेटाबॉलिकली कैसे होती हैं? एक्टिव होती हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हैं इनके अंदर चलती रहती हैं। ठीक है, लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन सब करती हैं। देन लास्ट वन इज द, ये भी सही है, जी नोट सेल्स कैन डिवाइड इन रेस्पॉन्स टू सम स्टिमुलस। अगर हम उसको कोई स्टिमुलस देते हैं तो ये डिवाइड कर जाती हैं। अगर इनको बाहर से एक्सटर्नली हम इनको स्टिमुलस दें तो ये डिवाइड डेफिनेटली करेंगी। ऑल आर करेक्ट, बिल्कुल अभी तक तो सारे ही सही हैं। देन वन टू थ्री आर करेक्ट, नो वे, एंड वन टू आर करेक्ट, ओनली वन एंड फोर्थ आर करेक्ट, टक 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 टक, सारे ही बाकी के गलत हैं। तो इसका आंसर जो है करेक्ट वो कौन सा हो गया? आंसर नंबर वन। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, विच वन ऑफ दी फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। कौन सा है जो बिल्कुल करेक्टली मैच्ड है? यहाँ पे बेटा मैं सीधा ही मियोसिस के अंदर मैं आपको प्रोफेज पे ले आता हूँ। मियोसिस के अंदर मैं आपको कहाँ पे ले आता हूँ? मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट के अंदर ले आता हूँ मैं आपको, प्रोफेज फर्स्ट के अंदर ले आता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कि इसकी कुछ फेजेज होती हैं। सबसे पहली होती है लैप्टोटीन, नेक्स्ट वन इज द जाइगोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन, डिप्लोटीन एंड लास्ट वन इज द डायकाइनेसिस, डायकाइनेसिस। ठीक है, ये पांच स्टेज है बेटा, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। ले जा प्यारे से दीपदास, इसको आप लर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है मियोसिस फर्स्ट के अंदर, तो इन स्टेजेस के बारे में ये बात कर रहा है। तो पहला दे रहा है कि लैप्टोटीन, लैप्टोटीन के अंदर बायोलेंट बनते हैं, बट ऐसा नहीं है। लैप्टोटीन जो स्टेज होती है प्रोफेज की, उसके अंदर जो क्रोमेटिड है कुछ ऐसे बुके लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। ठीक है, लैप्टोटीन को अपन बुकेट स्टेज बोलते हैं और फ्रीली प्रेजेंट होते हैं। ये कह रहा है बायोलेंट बन जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा।
नेक्स्ट बात कर रहा है बेटा फॉर्मेशन ऑफ बाइवलेंट, तो ये तो बिल्कुल गलत है, मैच नहीं कर रहा। जाइगोटिन के अंदर ये थोड़े थोड़े कंडेंस होना स्टार्ट होते हैं, कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट होती है, कुछ ऐसी ऐसी स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट होती है जाइगोटिन के अंदर। इनके अंदर क्या होते हैं, बाइवलेंट बनना स्टार्ट करते हैं, ये कुछ ऐसी ऐसी स्ट्रक्चर बनने लग जाती है। ठीक है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो बनता है वो जाइगोटिन के अंदर ही बनता है। नेक्स्ट वन डिप्लोटीन की बात कर रहा है कि डिप्लोटीन के अंदर क्या होगा, डिप्लोटीन की बात कर रहा है, ये डिप्लोटीन के अंदर क्या एजमेटा फॉर्मेशन होता है, डिप्लोटीन तो अभी आगे है, तो बात इसकी बिल्कुल क्या है, सही है। डिप्लोटीन के अंदर क्या बनेंगे, क्याजमेटा बनेंगे, क्योंकि पेकाइटीन के अंदर क्या होता है, पेकाइटीन के अंदर क्रॉसिंग ओवर होता है। और यहाँ से थोड़ा और आगे चलते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ये अलग होना स्टार्ट करते हैं, सेपरेशन करना स्टार्ट करते हैं, जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में क्या हुआ है, होमोलोगस क्रोमोजोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर हुआ है, वो अलग होना स्टार्ट करेगा। और वो जैसे जैसे अलग होना स्टार्ट करता है, जैसे ऐसे अलग होना स्टार्ट करेगा ये, अब यहाँ पे ये जो बन रहे हैं, यहाँ पे बस इस इनके एंड सी टच में रहते हैं, तो ये जो फॉर्म हो रहे हैं इनको हम क्या बोलते हैं, क्यास्मेटा। क्या बोलते हैं, क्यास्मेटा, क्यास्माता से याद रख लो इसको, क्यास्मेटा। ठीक है, तो ये बात मेरे को बिल्कुल सही लगी, तो ये बिल्कुल सही बात लगी क्या है भी। एंड पेकाइटिन के अंदर पूछ रहे हैं कि क्यास्मेटा टर्मिनलाइजेशन, बिल्कुल गलत बात है, क्यास्मेटा बन ही डिप्लोटीन के अंदर रहे हैं, तो वो कैसे हो जाएंगे, वो कैसे यहाँ पे टर्मिनलाइजेशन हो जाएगा पेकाइटिन के अंदर, पेकाइटिन के अंदर तो क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, तो ये भी क्या है, गलत बात है। जाइगोटिन को बोल रहा है फॉर्मेशन ऑफ बुकेट, तो गलत बात है, इन दोनों को तो उल्टा कर दिया इसने, ऐसे उल्टा कर दिया। तो यहाँ पे बेटा जाइगोटिन के अंदर बाइवलेंट बनते हैं, इसके अंदर टर्मिनल बुकेट स्टेज है, बुके की तरह देखो ये पड़े हैं, तो बुके जो होता है उसके लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, इसलिए इसको बुकेट स्टेज बोलते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है, आंसर नंबर 2। ठीक है बेटा, मिलते हैं हम अगले सेशन के अंदर, ऑल द वेरी बेस्ट।